मैं दार्जिलिंग घूमूंगी, मतलब मेरी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था. एंड आई एम स्टेइंग विद द प्रॉपर्टी द रॉप रिजॉर्ट. सो यू नो दिस इज देयर प्रॉपर्टी. और कहते हैं कि ऊपर से ना कंचनजंगा का व्यू दिखता है. सो आई एम गोना गो मेक कवर फॉर यू पीपल फॉर ऑल दीज प्लेस लाइक ऑल दिस प्लेस एंड दार्जिलिंग के मेन मेन प्लेसेस. आज मैं जूलॉजिकल पार्क जाना चाहती हूँ दार्जिलिंग के, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है. आई मीन दिस प्लेस इज सीरियसली बहुत प्यारी. आई जस्ट फेल्ड इन लव आफ्टर कमिंग हियर. आई नेवर इमेजिन कि इतनी ठंड होगी यार, मतलब नॉट इतनी बट यस ठंड होगी. लेट मी जस्ट गेट रेडी, आई एम गोइंग फॉर द बाथ, आई विल टेक शावर, हैव द ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट अप विद द डे. एंड यस माई रूम, द रूम आई एम लिविंग इन इज द कॉस्ट of above 2000, depends upon the season. So that's the back area. Wow, just look at this place. Matlab I think I'm living in a, you know, kind of, this is actually resort guys, the Rope Resort. Hana, this is actually love. Let's just get ready fatafat se. I don't want to miss the toy train and there is a lot coming in today's vlog. So let's go. Hello. Chalo maar gaye. सो आज सुबह से बारिश रुक नहीं रही है, कोई चेंज नहीं है बारिश में. मतलब आज मतलब इतना कुछ कवर करने का प्लान था बट कुछ लग नहीं रहा कि हो पाएगा. बट हम कल तक यहाँ पर हैं, हम कल रात को यहाँ से निकलेंगे. बस कल रात का मेरा आखिरी सफ़र है यहाँ का. वही सो यू नो इनका ये रेस्टोरेंट है अपना. सो दिस आर द रेट्स यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट के. मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, रेट बहुत ही जेन्युइन काइंड ऑफ है. ऐसा नहीं है कि रेट बहुत ही फसी है बट बहुत जेन्युइन है. सो गाइस इससे ना रात को हल्की सी खिड़की खुली रह गई, पूरी सीट गीली हो चुकी है और मुझे पीछे आके बैठना पड़ रहा है. मेरी पैंट गीली हो गई सिर्फ इसी लड़के की वजह से. चेक करो, इसने मेरे साथ प्रैंक किया. इसने सीट पर पानी डाला. कमेंट करके बताओ क्या इससे खिड़की खुली रह गई, क्या इसने जानबूझ के किया? देखो इसके इनोसेंट से चेहरे पे मत जाना, कमेंट करके बता. फिलहाल हम जा रहे हैं जू की तरफ. बारिश रुक नहीं रही थी, अभी कम हुई है और अभी भी टाइम लगेगा. मैं पीछे पहली बार मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठी हूँ, पहली बार. चल चल हम पहली बार अपनी गाड़ी में पीछे बैठी हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में. अच्छा ऐसे ही, कोई बात नहीं, आते वक्त मैं चलाऊंगी, तुम पीछे बैठोगे. ये टॉय ट्रेन की सारी लाइन जो आ रही है गाइस, तुम्हें तो पता है, लोगों को बता रही हूँ. अच्छा, टॉय ट्रेन को आपको पता है, आपको पता है दार्जिलिंग को क्या कहा जाता है दूसरे वर्ड्स में? मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से. सो गाइस ये वाला स्टेशन है जहाँ पे, जहाँ से मतलब ट्रेन पुरानी पुरानी है ये, पर मतलब ये जो है ना ये सारी स्ट्रीम इंजन है. और ये रहा आपका जहाँ पे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होती है, यहाँ पे लोग फोटोज खिंचवाते हैं. आज हम भी जाएंगे टॉय ट्रेन में या कल, डिपेंड्स अपॉन द मौसम. आज दार्जिलिंग में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है तो जू के लिए पैदल जाना पड़ेगा. गाड़ी कुछ नीचे पीछे सरकारी पार्किंग में पार्क होगी. और अगर आप टैक्सी लेते हो तो उसके चार्जेस अलग पड़ेंगे आपको. मोस्टली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, आज में भी सैटरडे है इसलिए फिलहाल. पैदल का रास्ता है जू का, मैं जा रही हूँ जू की तरफ. आई एम हंग्री ऑल्सो, मैंने कुछ खास नहीं खाया हुआ, मैंने एक सैंडविच खाया हुआ, जस्ट आई ईट समथिंग.
ऊपर चढ़ के लेफ्ट चलो। ओके राकेश जो है वो गाड़ी पार्क करने गया है। सो भैया बना रहे हैं बेल पापड़ी एक। कितने की सेल करते हो आप? जी 50 का उनके लिए। 50 का पेटीएम एक्सेप्टेड है जी? फिर ठीक है। ये कैश में नहीं लेके घूम रही इतना। प्याज है तो टमाटर और प्याज डाल दो ऊपर से। नमक दे दे। दार्जिलिंग के जू का जो नाम है ना वो पदम मा जा नायडू है। हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। पार्किंग या नहीं है जैसे कि लिखा हुआ भी है। और इतनी भीड़ है बाय गॉड टिकट काउंटर पे। मेरे पास कैश नहीं है। आई वेट फॉर राकेश फॉर द कैश। इसकी टिकट जो है ना वो 60 रुपीज़ की है और बहुत ही बड़ा है ये। और इस लड़के ने मुझे डिच कर दिया है। ये मुझसे बहुत झूठ बोलने लग गया। कट्टी हूँ मैं इससे आज के दिन कट्टा। लाइफ साइकिल ऑफर रेड पांडा। तो मेरे लेफ्ट साइड में लाइफ साइकिल दे रखी है रेड पांडा की। रेड पांडा जो होता है 1 से 4 साल की उम्र तक जीता है। 90 डेज में अचीव दी अडल्ट। नहीं मतलब 1 से 4 साल की उम्र में उनको। अच्छा अच्छा 1 से 4 इंच 1 से 4 इंच होता है रेड पांडा। फुट कोई सोचूं मैं इंच नहीं हो सकता। इंच इतना सा बना दोगे तुम रेड पांडा को। बट तब भी मैं तुमसे कटती हूँ। 112 से 158 दिन तक जी सकते हैं। ज़्यादातर नेपाल में मिलते हैं। भूटान से वो रहा गाइस रेड पांडा। एग्जैक्टली हो रहा है। आई डोंट नो क्या कर रहा है बट वो ये रेड पांडा। ये सो रहा है अभी। सोने का टाइम है। फीमेल लेपर्ड कैट है। ये ग्रे पीकॉक है। अंदर दो हैं एक इस तरफ है। जैसे ये मतलब बास्केट लेके आया भरी हुई पत्तियों की एंड सारे के सारे डियर इसके पीछे 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 भागते 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 आ गए। हिमालयन थार सही उसको देखो वो हरे कर रहा है। वो देखो वो बोलता है रोज मेरा पीस डिस्टर्ब कर रखा है तुमने। वो कह रहा है दूसरा तो रोज का काम है। ये शर्मीला है। दिस इज अ ब्लू शीप गाइस। बिजनी ताकिन। बिजनी ताकिन। मिशनी ताकिन। मिशनी ताकिन। पता है गाइस यहाँ पे ना एटलीस्ट तुम्हें जानवर देखने को मिलेंगे बहुत सारे। मिशनी ताकिन कितना बूढ़ा है वो। हाँ और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि वो कब मिले कैसे मिले। आई हाँ दिस इज सो नाइस ना। हेलो लेपर्ड है यार। तो गाइस सो रहा स्नो लेपर्ड बट इतना अच्छा विजिबल नहीं है। गाइस चेक करो ब्लैक लेपर्ड। अगर आपने मोगली देखी हो ना तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा ये करेक्टर। हाँ कर बस कि तू ऑस्ट्रेलियन पैरट बैठा हुआ है ऊपर। हाँ सीन दिस वन ऑस्ट्रेलियन पैरट वो बैठा हुआ। बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी ऊपर गाइस। तो आप हिस्ट्री म्यूजियम भी विजिट कर सकते हो बट अभी हम और मतलब यू नो इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की बरसात हो रही है। वी डोंट वांट कि भीग जाए। मौसम वैसे ही ठंडा है किसी के लिए गर्मी भी किसी के लिए ठंडा है। भाई लोग सुनते नहीं है ना। सुन लिया करो लोगों। सो फाइनली बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर
माय गॉड आई मस्ट से ममता बनर्जी ने अपना पेज बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है. दैट्स ट्रू. So guys, आप चेक कर सकते हो कि पता है यहाँ पे पूरे जू में ना सोनल पैनल्स हैं और मौसम देखो यार. अगर हम जब आ गए थे पूरे वो था एंड अनदर व्यू इज दिस. अंदर चला गया. ट्रस्ट में पूरा पार्क बहुत मेंटेन है और ये वुल्फ है और पूरे पार्क में फैकल्टी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और साइन बोर्ड्स भी दे रखे हैं. उई अंदर चला गया वापस. पापा मैं कोई सुनता है आपकी? कोई सुनता है आपकी? सुनता तो कोई नहीं. पड़ मारा करो, ये मारा करो मुझे. ठीक है कि भाई क्या क्या आपको अपने कॉलेज दिन याद है? करते बस गोसिप्स पहनने की देरी रह गई है. वही सो नजर आ रही हो. So the best, second best thing actually of the day is this bhalu. This is bhalu. So guys, ये था जू और आप लोग पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं. यू नो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर एंड ट्रेडिशनल कपड़ों के हम वो पूछते हैं कि रेट्स कितने हैं. मेरा अगर बताना रह गया है तो जो एंट्री चार्जेस हैं वो 60 रुपीज़ हैं और 10 सुबह 8:30 से लेकर 4 बजे तक ये खुला रहता है. जैसे कि आज बारिश हो रही थी इसलिए हम लेट आए हैं. सी दार्जिलिंग नज़र भी नहीं आ रहा. दार्जिलिंग हिल स्टेशन काइंड ऑफ ही है वेस्ट बंगाल का. अगर किसी को पता नहीं है दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, दार्जिलिंग एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में है. बहुत लोगों ने मुझे असम रिप्लाई करा जब मैंने इंस्टाग्राम में पूछा है. तो गाइस अगर आप ट्रैवल करने आ रहे हैं तो आप लोकल मार्केट ज़रूर विजिट करें बिकॉज दीदी आप अपने हाथ से बनाते हो ना, ये मैं सुबह देख रही थी है ना. जो भी लोग यहाँ पे मोस्टली वेंडर्स जो होते हैं उन्हीं से इनका वो चलता है. तो हम दीदी के यहाँ रुके हैं. दीदी आपका नाम क्या है? प्रिया दी के यहाँ पर इनका शॉप है और इनके ये क्या क्या बताया आपने? चिकन चिकन फाले और इसमें अंडा डाल के बनता है इनका ऑमलेट. और मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज मोमोज खा रही हूँ. ऑफ पार्किंग एरिया. दिस इज मल्टी लेवल पार्किंग जहाँ पे पार्किंग होती है एंड मैं वेट कर रही हूँ राकेश का जो कि मुझे नहीं पता कहाँ पर है. एक ही मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके अलावा जो पार्किंग है वो दार्जिलिंग का मतलब जहाँ पे टॉय ट्रेन है उसके पास है, उससे भी थोड़ा सा दूर. और मेरे सामने ये कितना सुंदर दार्जिलिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी दीवारों को इन लोगों ने मेंटेन करा हुआ है कुछ लगा के. अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ ना तो ऊपर दीवारों पर कुछ ऐसा लगा हुआ है जिससे मतलब दीवारों पर पपड़ी ना जमे. टॉय ट्रेन यहीं से वापस आ रही है गाइस, चेक करो तो है कहाँ पर. इस स्कॉर्पियन वाले ने अपनी गाड़ी हटाई और ये एंट्री टॉय ट्रेन की. ये तो इंजन है. सो गाइस ये है स्टेशन और हम आज ट्रेन का वो पता करने जा रहे हैं कि कितने की पड़ती है सो दैट हम कल ले सकें एक ट्रेन दार्जिलिंग में घूमने के लिए. These are the prices guys. पर पर्सन 1500 का है. अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो और डीजल देख रहे हो तो 1000 का है और ये टाइमिंग्स है. सो गाइस दिस इज लाइक द फोटो पॉइंट. आई लव दार्जिलिंग.
And this is, you know, Darjeeling ka koi famous place. If you can just remind this thing and comment karke bata sakte ho ki Darjeeling ki kaun si jagah hai, to please batao agar aap log aa chuke ho to. And I'm going to the marketplace. Aage se jagah hai. So we are entering yahan ki local market proper. And you know, maine apni gaadi ab dusre multi पार्किंग में पार्क करिए. यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, मल्टी पार्किंग से. एंड आई नीड टू पिक अप ब्रेड ऑल्सो, जाते वक्त आई पिक अप ब्रेड. सो दिस इज़ ऑल द लोकल एरिया. यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं अगर आप लोकल मार्केट की तरफ आ रहे हो तो. आपको पता है मैं किसके साथ स्टे कर रही हूँ, दरोफ होटल के साथ. एग्जैक्टली. सो आई गेस यहाँ पर भी ऑप्शन हैं, बट यहाँ पार्किंग के लिए मल्टी पार्किंग अगेन, क्योंकि मल्टी पार्किंग का चार्ज करती है 50 रुपीज़ पर आर का. तो यू नो, यहाँ का सबसे बड़ी बात की मार्केट जो होती है ना, वो 5:30 मैक्सिमम 6 बजे के बाद बंद हो जा स्टार्ट हो जाती है. तो अगर आपको दार्जिलिंग घूमना तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी. इवन लॉटरी टिकट बड़ी देखिए यार नॉर्थ ईस्ट में. यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं जिनसे आप पिक कर सकते हो इतने सारे बेकरी का सामान. मैंने पिक करा डोनेट क्योंकि राकेश को बहुत पसंद है, और मैंने अपने लिए जो पिक करा दैट इज़ पल्प, क्योंकि मुझे पल्प बहुत पसंद है. और इनके पास ये सारे हैंडमेड है आप लोगों के. जी, हमारे फैक्ट्री में. अच्छा, आपका खुद का फैक्ट्री है. तो इनके रस भी हैं, आप रस भी ट्राई कर सकते हो, विच वी कॉल रस एक्चुअली, ये वो है. एंड दिस इज दिस आर द होम मेड सारे, मतलब इनका खुद का मेड बिस्किट का ब्रांड. आपकी शॉप का नाम क्या है? द कैरेमल. द कैरेमल. यार यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कुछ है, आप रुक के यहाँ खा सकते हो. सो वैसे कैसा चल रहा है अभी काम, मतलब लोग आ रहे हैं? आज तो आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो विद नेक्स्ट व्लॉग. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो डू सब्सक्राइब द चैनल. बाय.